अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ सबा और आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे अपने चैनल सबा कमल में। तो जी, जैसे गर्मियाँ बढ़ चुकी हैं और स्किन के मसले भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ऐसे में हमें एक अच्छे से सनब्लॉक की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हमें एक अच्छा सा सनब्लॉक मिल जाए तो क्या ही बात होती है, क्योंकि सूरज की शुआओं में यूवीबी रेज जो होती है वो हमारी स्किन की एपिडर्मस पर असर करती है, जिससे हमें सन बर्निंग और रेडनेस होती है। और यूवीए जो होती है वो हमारी स्किन के हाइपोडर्मस पर असर करती है, जिससे हमें रिंकल्स वगैरह और स्किन के बहुत सारे मसले होते हैं। वैसे तो मैं सनब्लॉक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, वो भी इसलिए कि सनब्लॉक जो है वो वाइट कास्ट छोड़ता है। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि हमें एक ऐसा सनब्लॉक बता दिया जाए जो कि वाइट कास्ट ना छोड़े। तो जी, आज इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ग्रीन लाइफ का वाइटनिंग सनब्लॉक, जो कि एक सनब्लॉक होने के साथ साथ एक सनस्क्रीन भी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये SPF 16++ है और फ़ायदा देता है हाई प्रोटेक्शन UVB प्लस UVA रेज से, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ UV रेज से, हाइपोलर्जेनिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। 100 ml में ये आप लोगों को मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। इसी तरह इसके बैक साइड पर लिखा हुआ है कि ग्रीन लाइफ SPF 16++ इज़ अ रेवोल्यूशनरी वाइटनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक वाइटनिंग प्रोडक्ट है, इट नॉट ओनली प्रोटेक्ट स्किन, कि ये बस स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करता है UVA UVB रेज से, बल्कि हमारी स्किन को ब्राइट भी करता है, स्किन पर ग्लो लाता है, स्किन पर शाइनिंग लाता है, ठीक है, और स्किन को खूबसूरत बनाता है। इट इज़ नॉन ग्रीसी, ठीक है, ये ग्रीसी नहीं है, चिपचिपा नहीं है, ठीक है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इक्वली सूटेबल फॉर फेस एंड बॉडी, यानी कि वाइट कास्ट छोड़ के जो है हमारे फेस के कलर को अलग नहीं करता है और बॉडी के कलर को अलग नहीं करता है, ठीक है, हमारे फेस और बॉडी के कलर को एक जैसा ही रहने देता है। क्योंकि ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम है कि जो सनब्लॉक होते हैं वो वाइट कास्ट छोड़ते हैं, ठीक है, हमें एक ऐसा सनब्लॉक बता दिया जाए जो कि वाइट कास्ट नहीं छोड़े, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग ग्रीन लाइफ सनब्लॉक जो है वह यूज़ करके देखो, क्योंकि यूज़ किया हुआ है, जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो इसको यूज़ करो, क्योंकि मैंने जब इसको बाहर जाते वक्त यूज़ किया और उसके बाद घर आकर मैंने अपना फेस वॉश जब किया तो स्किन जो थी वो बहुत ही ग्लोई ग्लोई सी थी और रिफ़्रेश भी थी। तो क्यों ना एक ऐसा सनब्लॉक यूज़ किया जाए जो कि हमारी स्किन को फ़ायदा भी दे, ठीक है। इसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन की गई है, जो कि मैं वीडियो में इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आप जब भी ये सनब्लॉक ख़रीदो तो आप इसके ऊपर जितना भी इसका जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया गया है वो सब आप पढ़ लिया करें, ठीक है, अच्छे से इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लिया करें और उसके बाद जो है आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदा करें, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने भी इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो है हमारी स्किन पर वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने सनब्लॉक लेना है, यही तरीका होता है कि आप जब भी कहीं बाहर जाने लगते हैं तो थोड़ा सा आप सनब्लॉक निकालें और उसको अपने हैंड पर और अपने फेस पर और बॉडी के उन हिस्सों पर यूज़ करें जिन हिस्सों पर आप लोगों को सूरज की शुआएं पड़ती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सूरज की शुआएं ही हमारी स्किन को झुलसाती हैं, जब भी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो पड़ने वाली जो लो होती है, यानी कि बहुत गर्मी और बहुत ज़्यादा सेक जो है वो भी हमारी स्किन को जो है डैमेज करता है। तो आप लोग जब भी घर से बाहर निकलो कोई ना कोई सनस्क्रीन या सनब्लॉक लाजमी यूज़ करो। तो ये आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है और वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता, ठीक है। रिकमेंडेड है, आप लोग लाजमी ख़रीदिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेट कीजिएगा नई आने वाली वीडियो का। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।